वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूँ। कई कमेंट आए थे दोस्तों लगातार कि मोना भाई की कोई शौक वाली वीडियो बनाए, ठीक है, शायद स्क्रीन पे भी डाल दूँ मैं अगर मेरे को मिल गया वो कमेंट। कम से कम लगातार 5-6 बार कमेंट आए, तो आज हाजिर हैं मोना भाई की लॉफ्ट। मोना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है मोना भाई ने नई लॉफ्ट बनवाई है, तब से मैं आज दूसरी बार आना हुआ है। एक बार सिर्फ लॉफ्ट देखने आए थे, उसके बाद आज आना हुआ है। तो आज आपको ललचरे कबूतरों का शौक देखने को मिलेगा मोना भाई की लॉफ्ट के। तो मोना भाई ललचरे पाले हुए कितने साल हो गए लगातार? भाई 6-7 साल हो गए। 6-7 साल एक ही ब्रीड चली आ रही है। एक जोड़ से बनाए थे अपने, दो जोड़े से, एक जोड़ी मान लो आप। हाँ, और एक जोड़े का तो एक नर जो था उसके तो इतनी बड़ी अंदर सांस की गठान हो गई थी, कपासी हुई थी, जिसका ऑपरेट करा गया था, ऑपरेट करके निकाली गई थी। वीडियो भी अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। कबूतर की बीमारी और उसका इलाज, उसके अंदर मोना भाई का एक ललचरा कबूतर डाला था जो इनका मेन ब्रीडर कबूतर था जी। उसका पोटा फूल जाता था क्योंकि अंदर सांस की नली के पास कपासी हो रही थी। उन्हीं की नस्ल दिखाएंगे आज पूरी। तो मोना भाई उड़ान में क्या है ललचरे कबूतर अगर बात करें? असल में अपने भोपाल में तो उड़ान चलती नहीं है काली आंखें, तो अपन क्या है उड़ाते भी नहीं है जी, है ना। बाकी रिजल्ट अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। तो दोस्तों आज कुछ ललचरे कबूतर उड़ाने का शौक बिल्कुल गया हुआ है मोना भाई का, टाइम नहीं है, ठीक है। ये आज कितने दिनों के बाद छत पे आए थे ये बताओ आप, ये भी क्यों मेरे को तो मालूम है। 6-7 दिन के बाद ये लॉफ्ट के ऊपर आए, वो भी इसलिए कि पूरा इनका जो जॉब है, जो इनका बिजनेस है मेन, वो पूरा इंटीरियर्स का बिजनेस है। और एक दिन जब निकल जाते हैं इंटीरियर बिजनेस पे, तो फिर कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 7 दिन में वापस आना हो पाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा तो खास दोस्तों में से है और बिल्कुल घर के पास में है, तो मेरे को एक एक चीज़ पता है। तो आज ललचरे कबूतर भोपाल की शान आप दोस्तों को देखने को मिलेंगे, और ललसरों में से भी वो ललसरे जो कंजी आंखों के होंगे और सफ़ेद आंखों के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बने रहे भोपाल पिजन में। शौक करवाते हैं आपको मोना भाई के ललसरे। हैं मोना भाई, पहले इनकी लॉफ्ट दिखा दें, ये देखिए आप, ये इन्होंने पूरा लॉफ्ट का डिज़ाइन बनवाया है। ऊपर कबूतर आराम से ऊपर चले जाते हैं और ये पूरी नई बनी है, और इस साइड ये नीचे से ऊपर जाने का है पूरा, अंदर से भी आपको शौक करवाएंगे। तो मोना भाई कौन से कबूतर जी? भाई ललसरे देख लीजिए, ये ललसरे, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ललसरों का शौक करें और ज़बरदस्त ललसरे। और बताना चाहूँगा भोपाल के अंदर एक आध छती ऐसी मिलेगी जहाँ पे आपको ललसरे देखने का शौक नहीं मिलेगा भोपाल के अंदर। भोपाल की हर छत पे एक ना एक जोड़ा ललसरों का ज़रूर रखते हैं। और ये देखिए मोना भाई का लेकिन शौक अलग है, इसमें जो है कंजी आँख के हैं ये ललसरे। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये ललसरे। चलिए शौक करते हैं इनकी आँखों का, आँखें तो कंजी है तो पर कटे हैं खुले हुए हैं, मादी के पर कटे, मादी के पर कटे हुए हैं, तो नर की परों का शौक कर लीजिए आप। ये देख सकते हैं ये नर के पर हैं, ठीक है, और इनमें पीलापन है, अम्बल सरे बोल सकते हैं ये जी, अम्बल सरे। और तुम देखिए जी, ये देखिए आप जोड़ा, देखिए आप बहुत ज़बरदस्त ये पेयर मोना भाई की लॉफ्ट का। चलिए इनको छोड़ते हैं मोना भाई, और आप शो कर रहे हैं भोपाल पिजन्स पे इन ललसरे कबूतरों का। तो ये हैं मोना भाई की लॉफ्ट के ललसरे कबूतर। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं ये ललसरे कबूतर। बहुत ज़बरदस्त होते हैं दोस्तों ललसरे, ही ललसरे कबूतर। एक टाइम हमें भी बहुत शौक था, अब तो शौक चेंज हो गया था, तो ललसरे सारे गायब हुए हमारी लॉफ्ट से, लेकिन जब दिल करेगा तो मोना के लॉफ्ट से आराम से उठा के ले जा सकते हैं हम। चलिए आपको और शौक कराते हैं दूसरे ललसरे कबूतरों का और अम्बल सरे कबूतरों का। तो दोस्तों एक और शौक कीजिए, ये मोना भाई के अम्बल सरे कबूतर। मोना भाई ये भी कंजी आँखों के जी 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 जी, ये देख सकते हैं मोना भाई के लॉफ्ट के, आप पकड़ में नहीं आ रहा है कबूतर, और शौक कीजिए इनका, इन अम्बल सरे कबूतरों का। और अम्बल सरों में से ललसरे बन जाते हैं और ललसरों में से अम्बल सरे सारे बन जाते हैं, एक ही ब्रीड है अपने पास, बस कलर बनाने वाला होना चाहिए, एक ही जोड़ से कई कबूतर आराम से निकल सकते हैं। और ये परीन है मोना भाई जी, ये परीन जो, चलिए इनके परों का शौक कराते हैं। ये मादिन, ये देख सकते हैं ये मादिन के परों का शौक। और दोस्तों मेहनत करी जाए इनको उड़ान में लेके, तो ये भी अच्छा ही परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। और इसके नर के ऊपर शौक कराते हैं, ये देखिए ये नर है, और इसके पर देखिए
ये देख सकते हैं ये नर का वजूद। चलिए इनको छोड़ते और ये देखिए आप शो कर रहे हैं आप भोपाल पिजन्स पे इन ललसरे कबूतरों का और अम्बलसरे कबूतरों का। कभी कभी जबान से गलत वर्ड भी निकल जाते हैं दोस्तों, तो पकड़ा ना करें। ललसरों में से अम्बलसरे बनते हैं, अम्बलसरों में से ललसरे बन जाते हैं, सारे निकल जाते हैं एक ही कलर में से। तो ये शौक कीजिए आप अम्बलसरे कबूतरों का भोपाल के मोनोबाइक लॉफ के, और बने रहिएगा आपको बहुत अच्छे अच्छे कबूतरों का शौक कराएंगे। तो शो करें मोना भाई, ये कुछ अलग दिख रहे हैं इनको, क्या बोलेंगे? इन्हीं में के हैं सर, इन्हीं में के बनाए हुए जी। ये तो पीलो में से है, पीले कबूतर भी बोलेंगे ना। ये देख सकते हैं आप कलर चेंज देखिए आप कितना जबरदस्त, इन्हीं कबूतरों में से निकले हुए ये पीले कबूतर और बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों कलर का तो ऐसा मसला है कि जिसको जो कलर पसंद आ गया वो कलर का शौक कर लेता है जी, है ना, उसी से पूरी चीजें बना लेता है। अरे डावल से पहली बार निकला था तो उड़ गया था जी, कहीं नहीं उतरा, शाम को वापस आया था, वापस आ गया जी, उड़ा। अब छत भी तो आपकी चौथी मंजिल पे है दोस्तों, तो कबूतर जरा से में हिलते हैं, हिलने में कोई परेशानी नहीं होती। तो चलिए इनके परों का शौक करते हैं, ये देख सकते हैं इनके पर, जो नरों का नर का पर देखिए, ये देख सकते हैं ये नर है ना ये वाला जी, ये नर है। और आँख तो खैर कंजी है, तो इस वजह से आँख का तो एक ही नस्ल के हैं पूरे कंजी कबूतर, कंजी आँखों के। तो ये पीले कबूतर हैं, ये नया पट्टा है, नहीं माता है ये, माता नहीं पूरी पूरी जी। चलिए इनको छोड़ते, ये देख सकते हैं आप, तो दोस्तों एक से एक परिंदे मोना भाई के लॉफ्ट के ऊपर, अम्बलसरे ललसरे कबूतर। चलिए शौक करते हैं और एक जोड़े का। मोना भाई ये जो दिखा रहे हैं ये सफेद आंख में जी, ये तो सफेद आंख में से है या चेंजेस है? नहीं नहीं, इसमें जैसे कि किसी का नर चेंज है जी, जैसे अपने व्हाइट आईज में मेल मिलाया था तो कलर में आ गए। अच्छा व्हाइट आईज में आ गए वो, ठीक है। तो ये शौक करिए दोस्तों, देखिए आप ये देख सकते हैं ये वाइट आज में है ये वाले, और चेंजेस करे थे जोड़ा वही है लेकिन चेंजेस करे थे जिसकी वजह से इनकी आंखें चेंज हो गई। और इधर नहीं देख रहे, शर्मा रहे हैं ये कबूतर, ये देखिए कैसे लग रहे हैं दोस्तों। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इन कबूतरों के बारे में, क्योंकि धूप भी ज़बरदस्त है और जब जब मोना भाई की छत पर आएँ तो हवाएँ तेज चली हैं जी। चलिए इनकी आंखों का शौक करते, नर की आंख का शौक करते पहले, फिर आपको मादन की आंख का शौक कराएंगे। ये देख सकते हैं नर, इसकी आंख देखिए बिल्कुल साफ शफाक आंख। ये भी ललसरे कहलाएंगे पीले कबूतर? हाँ है, ये भी ललसरे कहलाएंगे, ललसरे कहलाएंगे। तो ये आंख देखिए इनकी, ठीक है। और पर और देखते हैं, पर हैं और इसकी मादिन का शो को करते हैं अपन। ये मादिन की आंख देखिए पहले तो, चलिए इसके पर और देखते हैं, पर कटे हुए, पर कटे हुए हैं। चलिए छोड़ते हैं पर तो अपन, और आप शो कीजिए। देख सकते हैं तो ललसरे भोपाल की शान है दोस्तों, ललसरे भोपाल जैसे कई और बहुत मुश्किल से दिखने में आते हैं। अब तो हो चुके हैं ललसरे अम्बलसरे भी कई जगह, लेकिन नस्लों का ताल्लुक अगर बात करेंगे तो भोपाल से ही गर्वे मिलेंगे आपको। कहीं ना कहीं भोपाल का नाम ज़रूर आएगा इन ललसरों के पीछे, क्योंकि बहुत मेहनत करी गई, बहुत पहले उड़ाए भी गए, बहुत अच्छी उड़ान थी इनकी, अभी भी है, अगर उड़ाना चाहें तो ज़रूर उड़ेंगे। असल में टाइम नहीं, इमरान भाई शौक तो है उड़ाने का, उड़ाने की वजह से सेटअप बनाया था अपन ने, पर टाइम का मसला था बिल्कुल जी। जब काम धंधे में लग जाते हैं तो कबूतरबाजी दूसरे नंबर पर आ जाती है,
और नौकरी और बिजनेस पहले आ जाता है। असल में क्या अम्मा भी थोड़ी सी गुस्सा करती है क्या? हाँ वो तो करेंगे सही। तो एक और जोड़े का शौक करते हैं। तो दोस्तों एक और पैर का शौक मोना भाई की लॉफ्ट के, ये अम्बल सरे कबूतर जी, ये देखिए दूसरे नंबर पे दिखाया था ना जी, उसका छोटा भाई है। अच्छा उनके छोटे भाई हैं जो पहले नंबर, उस नर का छोटा भाई है जी। इधर कर दीजिए जरा इनको, ये देख सकते हैं हमारी तरफ बिल्कुल नहीं। आप देखा कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। ये मोना भाई जैसे लाल वैसे इनके कबूतर लाल, ठीक है, धूप के अंदर ये ज़्यादा चमक रहे हैं और कबूतर उनसे ज़्यादा चमक रहे हैं। तो मोना भाई और उनके अम्बल सरे लाल सरे कबूतर, चलिए इनके परों का शौक करते हैं। आँखें तो कंजी हैं, ठीक है, और इतने बड़े साइज़ भी अच्छा बड़ा है इनके। मादी की साइज थोड़ी छोटी है जी, देखिए नजर है, ये देखिए कन्नी कन्नी आँखें हैं, मको आँखें नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। तो इनमें जब कभी सफ़ेद आँखें कबूतर मिलाए जाएंगे तो वापस सफ़ेद आँखों के अंदर भी इनके बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मादिन और नर का शोभो कराते हैं। नर का साइज भी बहुत अच्छा है, ठोस कबूतर जी, ये देखिए और देखिए आप। तो ये हैं मोना भाई के अम्बल सरे कबूतर, चलिए इनको छोड़ के और दिखाते हैं। तो ये देखिए आप क्या बात है। तो ये शो कर रहे हैं आप भोपाल पिजन्स पे, और एक टाइम तो ऐसा था कि इनके सारे कबूतर यहीं छत पे होते थे, अब तो जाल बना लिया इन्होंने। कैसा लग रहा है दोस्तों ये कबूतर, कमेंट करें। ये मादे हैं नरे, ऊपर जो बैठी दोनों मादा हैं। अच्छा दोनों मादा हैं कहीं ऊपर, नीचे वाली भी उठ के ऊपर चली गई। दोनों बहने हैं जी। अच्छा दोनों बहने हैं जी, ये देखिए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, और कमेंट ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि कैसे लगे आपको ये कबूतर। तो थोड़ा सा मोना भाई डाँ डाल रहे हैं, ये देखिए इनको उतारते हैं। आया, तो ये हैं मोना भाई के ललसरे अम्बल कबूतर, और सबसे ज़्यादा इनको चाहती और पसंद भी सिर्फ इन ललसरे कबूतर जी। ठीक है, तो मोना भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया शोक करवाने के लिए। जी जी जी, आप इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे छत पे। क्या है तो जब टाइम नहीं मिलता ना आपको, ना इनको टाइम मिलता, जब हमें टाइम मिलता है तो ये बाहर निकलते हैं और हम फोन लगा लगा के इन्हें सुनाते हैं कि आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा। और दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।